हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्वेता। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा जो चैप्टर थर्ड है क्लास सिक्स के लिए, फाइबर टू फैब्रिक। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे, जो अर्ली मैन था, आदिवासी थे, उन्होंने कैसे फाइबर की डिस्कवरी करी, क्या हमारी क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या थी, क्या इतिहास था कि कैसे उन्होंने फ़ाइबर बनाई और उस फाइबर से फैब्रिक बनाया। ठीक है, उसके सोर्सेज क्या थे फाइबर्स के, कि हमें प्लांट से, एनिमल से, और जो मैन मेड जो हमारे फाइबर्स हैं वो क्या क्या थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट फाइबर्स के बारे में। प्लांट फाइबर्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जो हमें प्लांट से फाइबर मिलता है, और वो कौन कौन से फाइबर हैं, वो हैं हमारे कॉटन, जूट, क्योर, हैम्प एंड फ्लैक्स। ये कुछ एग्ज़ाम्पल ऐसे हैं जो हमारे प्लांट फाइबर्स के हैं। ठीक है, और जो डेनिम है आपने काफ़ी सुना होगा, जिससे कि क्या बनती है, जीन्स बनती है हमारी, वो भी किससे बनता है, हमारा कॉटन से ही बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्लांट फाइबर है कॉटन, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉटन का जो प्लांट होता है वो क्या होता है, एक श्रब होता है। श्रब यानी कि एक मीडियम साइज के जो हमारे प्लांट होते हैं। ठीक है, तो कॉटन प्लांट क्या है, एक श्रब है। इट ग्रोज वेल इन ब्लैक मिट्टी एंड वार्म क्लाइमेट, यानी उसकी जो ग्रोथ है वो हमारी जो काली मिट्टी होती है उसके अंदर बहुत अच्छे से होती है, और जो क्लाइमेट है वो उसको कैसा चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, इट नीड्स मॉडरेट रेनफॉल, जो मीडियम साइज की हमारी बारिश है उसको वैसे चाहिए, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है उसको। कॉटन क्या है, कॉटन इज़ ए सॉफ्ट फाइबर दैट ग्रोज अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट, यानी जो कपास है, जो कॉटन है हमारी, वो क्या है, एक सॉफ्ट फाइबर है, बहुत ही मुलायम जिसको हम बोल सकते हैं, बहुत ही नरम जिसको हम बोल सकते हैं, इस टाइप का फाइबर है, इस तरह का तंतु है। ठीक है, जो कैसे उगता है, जो कॉटन प्लांट के बीज होते हैं उससे उगता है। ठीक है, जो वैरायटी है एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट की, कपड़ों की, उसमें वो किससे बनती है, हमारी कॉटन से बनती है। यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसे हैं हमारे जो किससे बनते हैं, कपड़े के, कॉटन से बनते हैं। और भारत में जो खादी है, बहुत सुना होगा आपने, जो खादी गांधी जी के टाइम से चल रहा है, तो वो क्या है, एक हैंड वोवन क्लोथ है, जो वो भी किससे बनता है, हमारा कॉटन से ही बनता है, जिसको हाथ से बनाया जाता है, कहने का मतलब जो हाथ से बनता है वो कपड़ा, वो क्या है, हमारा खादी है। तो कॉटन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन बॉल दैट ग्रोज ऑन द कॉटन प्लांट, तो जो कॉटन है वो हमें कहाँ से मिलती है, जो कॉटन के प्लांट है, जो कपास के प्लांट हैं, उसके ऊपर जो छोटी छोटी बॉल्स टाइप की शेप होती है इसकी, कॉटन की, वहाँ से हमें कॉटन मिलती है। कपास देखा होगा आपने सबने खेतों में, जब लगती है ऊपर छोटे छोटे बॉल टाइप से लगते हैं, उसके अंदर क्या होती है, हमारी कॉटन निकलती है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉफ्ट वाइट फ्लफी कॉटन फाइबर्स ग्रोइंग अराउंड द सीड्स ऑफ द प्लांट, ये हमारे कॉटन के जो प्लांट है उसके जो सीड्स हैं उससे बनती है। ठीक है, व्हेन द मैच्योर कॉटन बाल बर्स्ट द कॉटन फाइबर विद सीड्स बिकम्स विजिबल, उसमें क्या होता है, जो हमारे कॉटन की जो बॉल्स हैं, जब वो मैच्योर हो जाती है, जब हमारी फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है कपास की, उसमें से हमें क्या होता है, ये कॉटन की बॉल बर्स्ट हो जाती हैं। बर्स्ट हो जाती हैं कहने का मतलब क्या है, इसमें से कॉटन बाहर निकल जाती है, हमें दिखाई देने लग जाती है, एक तरह से फट जाती है। ठीक है, तो वो हमें दिखाई देती है कॉटन की जो फाइबर है इन बीज के अंदर से, तो तब हमें पता चलता है कि जो हमारी क्रॉप है, जो प्लांटेशन है, वो कंप्लीट हो गई है अच्छे से। ठीक है, तो जो रा फाइबर्स है, जो कच्चे फाइबर हैं, आर देन, उसको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं उनके बीजों से, उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन, यानी कॉटन के जो हमारा फाइबर है उसको हमें अलग करना है बीज से। तो जो गिनिंग होती है वो कैसे होती है, गिनिंग मशीन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉटन गिन्स। आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, ऊपर गिनिंग का प्रोसेस दिया गया है, जिसमें हम क्या करते हैं, उसको सीड को अलग करते हैं, कॉटन को अलग करते हैं फाइबर को। ठीक है, फिर जो सीड सेपरेट कर दिए हमने, अलग कर दिए, अगर वो डैमेज नहीं हुए हैं तो उनको हम दोबारा फिर यूज़ कर सकते हैं कॉटन के प्लांट और लगाने के लिए, उगाने के लिए। ठीक है, तो गिनिंग जो कंबाइनिंग है, कंबाइन प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, कंबाइन के द्वारा हम क्या करते हैं, सीड से जो रॉ फाइबर है उसको अलग करते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ
कॉटन। गिनिंग होने के बाद जो गिनिंग है वो हमारी किस में होगी, गिनिंग मशीन्स में होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो निकल के आती है ये होती है हमारी कॉटन गिन्स। उसमें उसको हम बीज से सेपरेट होने के बाद अगर वो हमारे सीड डैमेज नहीं हुए हैं, उन सीड को हम दोबारा प्लांट कर सकते हैं, दोबारा हम लगा सकते हैं कॉटन प्लांट्स उससे, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, उसके बाद हम फाइबर को क्लीन करते हैं, बिल्कुल साफ़ करते हैं। जब हमारा रेशा बिल्कुल साफ़ होगा तभी है उसको हम स्पिन कर सकते हैं, हमारे क्लोथ बना सकते हैं। तो जो फाइबर है उसको हमें बिल्कुल साफ़ करना है, किस क्या हटाना है उसमें से, जो पत्तियाँ हैं, जो तिनके वगैरह हैं, उन्हें हमें साफ़ करना है, ठीक है। स्पन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको उस प्रोसेस को हम यार्न करेंगे, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। आप देख सकते हैं जो रेशा बन रहा है आपका, जो स्पिनिंग प्रोसेस है वो क्या होता है, स्पिनिंग मशीन के थ्रू होता है। स्पिनिंग ड्राज आउट द शॉर्ट फाइबर्स फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन, यानी स्पिनिंग प्रोसेस में क्या होता है, कॉटन की जो फाइबर बनती है हमारी, छोटे छोटे जो धागे बनते हैं वो बनते हैं किसमें से, जो कॉटन का मास होता है उसके अंदर से, ठीक है। और फिर उसको हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके एक लॉन्ग और कंटिन्यू थ्रेड बनाते हैं, एक लंबा धागा बनाते हैं। तो स्पिनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कॉटन फाइबर इंटू यार्न और थ्रेड। तो स्पिनिंग क्या है, स्पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो ट्रांसफॉर्म करता है हमारे जो सूती धागा है, सूती जो तंतु है, उसको पूरे लंबे थ्रेड के अंदर, धागे के अंदर। स्पिनिंग वॉज अर्लियर डन बाय सिंपल हैंड स्पिंडल कॉल्ड टकली, जिसको हम बोलते हैं, इस तकली के थ्रू क्या होती थी, पहले स्पिनिंग की जाती थी, ठीक है, या फिर एक स्पिनिंग व्हील जो था जिसको हम चरखा बोलते हैं। तो इस चरखा बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, जो मूवमेंट हुआ था महात्मा गांधी के टाइम पे, जिन उन्होंने एनकरेज किया था खादी बनाने के लिए, जो आंदोलन चलाया था उस टाइम से फेमस हुआ था हमारा चरखा। तो अब क्या होता है, अब जो स्पिनिंग है हमारी वो लार्ज स्केल पे होती है, बहुत ज़्यादा एरिया पे होती है, वो हमारी किसके थ्रू होती है, मशीन्स के थ्रू होती है, ठीक है। देन यार्न इज़ यूज टू मेक कॉटन बाय वीविंग इन स्पेशल मशीन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, लूम्स बोलते हैं। वीविंग क्या होता है, वीविंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू गेट ए फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ ए हैंडलूम और पावर लूम, यानी वीविंग होता है बुनना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस में क्या होता है, हम अरेंज करते हैं दो धागों को, दो थ्रेड को आपस में इस टाइप से इकट्ठा करके एक फैब्रिक जिसको हम बनाते हैं, एक कपड़ा जो हम बनाते हैं, ठीक है, किसकी हेल्प से, जो हैंडलूम है हमारे, पावर लूम है, उनकी हेल्प से। और जो सूफ़ी संत, हमारे फेमस सूफ़ी संत थे कबीर जी, जो क्या थे, वो भी एक वीवर ही थे, एक बुनकर ही थे, ठीक है। उसके बाद आता है निटिंग। निटिंग क्या होता है, निटिंग ए प्रोसेस of which a single yarn to create the entire fabric, यानी एक single धागे से पूरा का पूरा fabric बनाना, जैसे कि socks, sweater, जो कपड़े हम पहनते हैं, ये क्या होता है, ये एक example है knitting fabric के, एक बने हुए special कपड़े के। ये किसके द्वारा होता है, as well as इनको हम हाथों से भी कर सकते हैं और machines के through भी कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं उनके, जो कॉटन के बने होते हैं, हम कॉटन की बात कर रहे हैं अभी, तो जो कॉटन है वो क्या होती है, इट इज़ सॉफ्ट, बहुत ही नरम होती है। जो गर्मी होती है, गर्मी के टाइम पे आप कॉटन के कपड़े पहनना ही प्रेफर करेंगे, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स स्वेट। स्वेट क्या होता है, पसीना। ये क्या करते हैं, पसीने को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इससे क्या होता है, आपको ठंडा ठंडा फील होता है। इट आल्सो लेट्स एयर इन, और इसमें से जो बाहर हवा चल रही होती है वो ईजिली अंदर चली जाती है, ठीक है। व्हेन स्वेट इवेपोरेट, जब पसीना इवेपोरेट हो जाएगा, इट कूल्स डाउन द बॉडी, वो क्या करेगा, हमारे शरीर को ठंडा रखेगा। तो कॉटन के जो क्लोथ हैं वो कंफर्टेबल होते हैं हमारे पहनने के लिए भी, स्पेशली कौन से मौसम में, हमारा समर सीज़न जो है, उमस भरा जो मौसम हो जाता है, बारिश आई उससे पहले का, इस टाइप से जो गर्मी का मौसम होता है उससे, ठीक है। तो कॉटन बनती कैसे है, जो फैब्रिक हमारा कॉटन का, वो हम देख सकते हैं नीचे एक डायग्राम के थ्रू इन्होंने शो कर रखा है। सबसे पहले जो हमारे होते हैं कॉटन रोल्स होते हैं, जो जिसको हम क्या करते हैं, गिनिंग के प्रोसेस से, यानी उसमें गिनिंग में हम क्या करते हैं, सीड को सेपरेट कर देते हैं और हमारा जो कॉटन का जो रॉ फाइबर है उसको हम अलग करते हैं,
ठीक है, जो फाइबर बन गया अब हम क्या करेंगे उसकी स्पिनिंग करेंगे। स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, एक लंबा थ्रेड जिसमें हम बनाते हैं और उसी थ्रेड में हम क्या करेंगे, जो हमारा यार्न है यानी कि वो थ्रेड है, वो थ्रेड बनता है जिसको हम निटिंग और वीविंग दोनों प्रोसेस से यानी हाथों से बना के या फिर मशीन के थ्रू हम जिसको बना के क्या करते हैं, हमारा फैब्रिक तैयार करते हैं, हमारा कपड़ा तैयार करते हैं जो हम पहनते हैं। ठीक है, तो ये एक प्लांट फाइबर था जो कॉटन था, हमने इसको कंप्लीट पढ़ा कैसे हमने इसको ऑब्टेन किया और कैसे हमने इसको यूज़ किया। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।